हे रेहान, हेलो। ये लाइफ भी क्या चीज़ है। हाँ, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर हायर एजुकेशन, फिर ऑफिस, फिर प्रॉफिट। जिंदगी कहाँ से चलती है और कहाँ हम सबको लेके जाती है, और तुम्हें पता है रेहान, लाइफ ने कभी खुद के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं दिया। मोहब्बत मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट बनकर आ चुकी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी मोहब्बत हो जाएगी, प्यार में दीवानों जैसा हाल हो जाएगा मेरा। एक वो है जो सुबह से अपने कमरे से बाहर निकलती नहीं, तो फिर मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूँ? जायज़ नहीं है ना, है ना रेहान? तुम्हें पता है मैं ये सारी बातें तुम्हारे से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, तुम तो मेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो। इट्स ओके, मैं खुद ही कर लूंगा। सार, रिहान तुम्हारे पास है, क्या कर रही है? हम दोनों बैठकर एंजॉय कर रहे थे। देख रही हूँ मैं, चाचू की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह कितना खुश लग रहा है। एक्चुअली भाभी, ये खुश किसी और वजह से। अच्छा, और वो क्या वजह है? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, क्योंकि चाचू का सीक्रेट है और रेहान ने चाचू से प्रॉमिस किया है। रिहान आप मामा के फ्रेंड है ना, जल्दी से बता दें चाचू ने आपको क्या बताया। चाचू के सारे सीक्रेट्स मामा को बता दें, है ना? है ना? आई विल गेट यू आइसक्रीम, है ना?